नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 25 दिसंबर 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आज क्रिसमस है और क्रिसमस की आप सभी को बोलता हिमाचल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। इस है आज की सबसे बड़ी खबरें। फराला फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन करेंगे सीएम सुको, लेकर व विनेगर का उत्पादन होगा शुरू। फराला फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट में अब जल्द ही लेकर वाइन व विनेगर का उत्पादन शुरू होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कु मंगलवार यानी 26 दिसंबर को फराला फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट लोगों को समर्पित करेंगे। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री फराला में प्लांट का उद्घाटन करने के साथ साथ योग बाईपास का भी औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे। हालांकि फराला फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट तथा त्योग बाईपास शुरू हो गया है। इसके अलावा इसी दिन में त्योग में आपदा प्रभावितों को राहत राशि के चेक भी वितरित करेंगे। शिमला में आज विंटर कार्निवाल का आगाज, 500 महिलाएं डालेगी पारंपरिक वेशभूषा में नाटी। हिमाचल की राजधानी शिमला में विंटर कार्निवाल आज से शुरू होगा। इस कार्निवाल में पहले दिन 500 के करीब महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में हिमाचली संस्कृति की झलक दिखाएगी, जो कि कार्निवाल का मुख्य आकर्षण रहेगा। 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आयोजित किए जा रहे शिमला विंटर कार्निवाल की तैयारियां पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू कार्निवाल का आज दोपहर 2 बजे शुभारंभ करेंगे। नए साल में कॉलेज विद्यार्थियों को नई सुविधा देगा HRDC, ऑनलाइन बना सकेंगे पास। नए साल में प्रदेश के कॉलेज विद्यार्थियों को HRDC नई सुविधा देगा। इस सुविधा के तहत अब कॉलेज विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन पास बनेंगे और पास बनाने के लिए बस अड्डों पर लंबी लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। इसके लिए निगम प्रबंधन ने सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है। जल्द ही इस सॉफ्टवेयर पर कॉलेज विद्यार्थियों को निगम की वेबसाइट पर ये सुविधा शुरू मिलेगी। निगम के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार शिमला में पहले चरण में सुविधा शुरू होगी। इसके बाद ये सुविधा प्रदेश भर में लागू होगी, जिससे प्रदेश के लाखों कॉलेज विद्यार्थियों को राहत मिलेगी। निगम प्रबंधन की इस पहल के तहत कॉलेज के छात्र छात्राएं बस पास बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने के साथ साथ विद्यार्थी ऑनलाइन ही निर्धारित किराए का भुगतान भी कर सकेंगे। हमीरपुर में ठेकेदार का कारनामा, सटवीबीट में जड़ों से उखाड़ दिए खैर के 100 पेड़। हमीरपुर जिले के बरसर उपमंडल के अंतर्गत सटवीबीट के करीब आधा दर्जन क्षेत्रों में खैर के पेड़ों के कटान का काम अवैध रूप से किया जा रहा है। ठेकेदार द्वारा लगभग 100 खैर के पेड़ों के ठोंठ भी अवैध रूप से उखाड़ लिए गए हैं। हालांकि वन विभाग ने कटान करने वाले ठेकेदार के खिलाफ LP अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए डैमेज रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक बर्सर क्षेत्र से संबंध रखने वाले पहले से ब्लैकलिस्ट घोषित किए गए ठेकेदार ने अपनी पत्नी के नाम पर खैर के पेड़ों के कटान की परमिशन लेने के उपरांत इस कार्य को अंजाम दिया है। नए साल में जनवरी के पहले सप्ताह में होगी भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक। प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक अगले साल जनवरी माह के पहले सप्ताह में होगी। बैठक में पार्टी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में लिए गए निर्णय को लागू करने को लेकर रोड मैप तैयार किया जाएगा तथा उसे अंतिम रूप देने को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। भाजपा ने लोकसभा चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी है। दिल्ली में हुई भाजपा की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया गया है। समर स्कूलों से विंटर स्कूलों को स्थानांतरित किए गए शिक्षकों को नहीं मिलेगी सर्दियों की छुट्टियां, आदेश जारी। समर वेकेशन स्कूलों से विंटर वेकेशन स्कूलों में स्थानांतरित शिक्षकों को सर्दियों की छुट्टियां नहीं मिलेगी। इन शिक्षकों से इन छुट्टियों में काम लिया जाएगा। इन्हें कुछ दिनों के लिए ऐसी जगह शिफ्ट किया जाएगा जहां इनसे काम लिया जा सके। इसी कड़ी में उच्च शिक्षा विभाग ने विंटर वेकेशन स्कूलों को ऐसे हेडमास्टर, प्रधानाचार्य, प्रवक्ता व DPE जिन्होंने हाल ही में समर वेकेशन स्कूलों से इन स्कूलों में या तो स्थानांतरित हुए या पदोन्नत होकर पदभार ग्रहण किया है, उन शिक्षकों का छुट्टियों सहित ब्यौरा देने को कहा गया है। यदि इन शिक्षकों ने इस वर्ष समर वेकेशन स्कूलों में रहते गर्मियों की छुट्टियां की है तो अब इन्हें सर्दियों की छुट्टियां नहीं मिलेगी। विभाग की ओर से ऐसे आदेश जारी किए गए हैं। सूत्रों की माने तो शिक्षक को वर्ष में केवल एक बार ही छुट्टियां मिलेगी। इन छुट्टियों में अब इन शिक्षकों की सेवाएं कार्यालय, संबंधित डाइट सेंटर या किसी प्रोजेक्ट में ली जा सकती है।
फिलहाल विभाग ने अब स्कूलों से शिक्षकों की सूची मांगी है। विंटर वेकेशन स्कूलों में 1 जनवरी से 11 फरवरी तक छुट्टियां होनी है। इसके बाद इन स्कूलों में नया सेशन शुरू होगा। हालांकि इस बार सरकार शिक्षण दिवस बढ़ाने की बात कर रही है, ऐसे में ये छुट्टियां काम हो सकती है। हालांकि ये नई व्यवस्था अगले शैक्षणिक सत्र से शुरू होगी, यानी वर्ष 2024-25 से सरकार स्कूलों के लिए नया वेकेशन शेड्यूल जारी कर सकती है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हमने सत्ता में आती आर्थिक तंगी के बावजूद पुरानी पेंशन को बहाल की है। करीब 500 लोगों की लाभ मिलना भी शुरू हो गया है। छठे वेतन आयोग के एरियर की 10,000 करोड़ रुपए की देनदारी है। उन्होंने कहा है कि 1 या 2 साल में एरियर भी जारी कर दिया जाएगा। तो विधानसभा सत्र शनिवार को समाप्त हुआ था और उसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जानकारी दी है। कर्मचारी और पेंशनर एरियर का इंतजार कर रहे और अभी भी उनको 1 या 2 साल तक इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है। महंगाई का झटका, हिमाचल के सरकारी राशन डिपो में 4 रुपए बढ़े सरसों तेल के दाम। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी राशन के डिपो के उपभोक्ताओं को एक और झटका दिया है। डिपो पर चीनी के बाद अब सरसों तेल के दाम पर भी 4 रुपए प्रति पैकेट की बढ़ोतरी कर दी है। इससे अब प्रदेश के करीब 19 लाख उपभोक्ताओं को महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। खाद्य आपूर्ति निगम की ओर से बढ़ी हुई कीमतें इसी माह से लागू कर दी गई है। यही नहीं, POS मशीनों में भी बढ़ी हुई कीमतों को अपडेट कर दिया गया है। सरकारी राशन के डिपो में सभी उपभोक्ताओं को बीते माह सरसों का तेल 110 रुपए प्रति पैकेट दिया जा रहा था। एक राशन कार्ड पर 2 पैकेट तेल दिए जा रहे हैं, मगर अब उपभोक्ताओं को 114 रुपए प्रति पैकेट दिया जाएगा। इससे राशन कार्ड धारकों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। आपको बता दें, सरकार ने चीनी की कीमतों में 3 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की थी और इसके बाद अब जो तेल है उसमें भी 4 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। खबर भाजपा से, जयराम ठाकुर बोले सरकार के गले की फांस बन गई चुनावी गारंटियां। कांग्रेस द्वारा हिमाचल विधानसभा चुनावों में दी गई गारंटियां आप प्रदेश सरकार के गले की फांस बन गई है। झूठी गारंटियां देने वाले कांग्रेस के छत्तीसगढ़ व राजस्थान के नेता तो घर बैठ गए, लेकिन वोट की खातिर इन्होंने जनता को धोखा देकर हिमाचल को 1,000 करोड़ रुपए के बोझ तले दबने को विवश किया है। ये बात नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रविवार को शिमला में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कही है। उन्होंने कहा कि 1 साल में राज्य सरकार 14,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। ऐसे में भी अगले 3 वर्ष कितना बोझ हिमाचल पर डालने जा रही है उसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जब तक कांग्रेस द्वारा दी गई गारंटियां पूरी नहीं हो जाती तब तक भाजपा चुप नहीं बैठेगी। पार्टी हर मंच पर सरकार को इसकी याद दिलाती रहेगी। खबर लाहौल स्पीति से, लाहौल स्पीति में दर्दनाक सड़क हादसा, कार के खाई में गिरने से 3 लोगों की मौत। लाहौल स्पीति के उदयपुर उपमंडल के तहत आने वाले जालमा से करीब 110 मीटर दूर हिडिंबा मंदिर के पास एक सफारी कार सड़क से करीब 100 मीटर नीचे लुढ़क गई। घटना में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। मृतकों की पहचान चंद्र देवी पत्नी देवी सिंह निवासी गाँव बटवास डा घर किलाड़, मोहित पुत्र देवी सिंह निवासी गाँव बटवास डा खाना किलाड़ जिला चंबा, राकेश कुमार पुत्र लालचंद निवासी गांव दरबार डाकखाना किलाड़ तहसील पांगी जिला चंबा के रूप में हुई है। कैग रिपोर्ट, हिमाचल में पेंशन उपदान और कर्ज से 1,368 करोड़ रुपए बड़ा राजस्व घाटा। हिमाचल प्रदेश में पेंशन उपदान और ऋण लेने के कारण राजस्व व्यय बढ़ रहा है। माले का कार्यालय ने राज्य सरकार को सभी अनुत्पादक व्ययों में कटौती का सुझाव दिया है। शनिवार को सी सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा सदन में वर्ष 2022-23 की मालिका परीक्षक रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में सामान्य आर्थिक वातावरण और नीतिगत परिवर्तनों से विचलन संबंधी विवरण देते हुए बताया गया कि नवीनतम बजट प्राकलन के अनुसार राजस्व घाटा 6,072.94 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो की बजट अनुमान से 1,368.81 करोड़ से अधिक है। राजकोषीय घाटा 9,900.14 करोड़ के बजट के अनुमान की तुलना में 12,515.73 करोड़ रहने का अनुमान है। खबर सिरमौर से, हाटी जनजाति प्रमाण पत्र जारी न करने पर अनशन पर बैठे युवा। गिरिपार क्षेत्र के सतोन में हाटी युवाओं के जनजाति प्रमाण पत्र जारी न होने पर गुस्साए युवाओं ने रविवार को अनशन किया। 24 घंटे के सांकेतिक अनशन में 14 युवा बैठे, शाम तक इनकी संख्या 18 होगी। इस मौके पर नवयुवक मंडल के अध्यक्ष तरुण शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार जानबूझकर इस मुद्दे को लटका रही है।
ये मुद्दा अब कोर्ट में भी चला गया है। सरकार दूसरे समुदाय के लोगों को भी गुमराह कर रही है ताकि हाटी समुदाय को उनका हक न मिल सके। इंद्र सिंह राणा ने हाटी अधिकार के आंदोलन के लिए गठित मंच को राजनीति से दूर रहने का आह्वान किया है। रेणु नेगी ने महिलाओं से अपने बच्चों के अधिकार के लिए आगे आने का आह्वान किया है। मंच से युवाओं ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि एक महीने के भीतर हाटी समुदाय को जनजाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए तो वे मंत्रियों को काले झंडे दिखाकर अपना रोष प्रकट करेंगे। 27 दिसंबर को दिल्ली जाएंगे सीएम, डिप्टी सीएम समेत सभी मंत्री। सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा को भी बुलाया। शीतकालीन सत्र खत्म होने के बाद कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसी को लेकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने 27 दिसंबर को दिल्ली में अहम बैठक बुलाई है। बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पृथ्वी सिंह, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। बैठक में सत्ता और संगठन के बीच समन्वय के मामले में भी चर्चा होगी। हाल ही में निराचार्य कांग्रेस के विधायक राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा को भी इस बैठक में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। साल में दो बार मंत्रिमंडल का विस्तार होने पर इन्हें मंत्री नहीं बनाया गया है। नाराजगी दूर करने के लिए इन्हें जिम्मेदारी दी जा सकती है। उल्लेखनीय है कि बीते शनिवार देर रात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा के घर जाकर मुलाकात की। इस बैठक के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पिछले काफी समय से हाईकमान के समक्ष संगठन के सक्रिय पदाधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी देने के अलावा संगठन में बदलाव करने का मामला उठा चुकी है। 27 दिसंबर को होने जा रही इस बैठक में ये मामला फिर से उठ सकता है। पार्टी शीर्ष नेतृत्व भी किसी भी तरह का विवाद नहीं चाहता है। ऐसे में ये भी संभावनाएं लगाई जा रही कि संगठन में उलटफेर भी हो सकता है। नारकंडा पुलिस ने सिलारू में कार से बरामद की 978 ग्राम चरस। हरियाणा के 3 युवक गिरफ्तार। पुलिस थाना कुमार सेन के अंतर्गत नारकंडा पुलिस चौकी की टीम ने NH5 पर सिलारू में ट्रैफिक चेकिंग के दौरान शनिवार साय हरियाणा के 3 युवकों को 978 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी। मामले की पुष्टि DSP रामपुर ने की है। बैड अपडेट, हिमाचल में नए साल से पहले बर्फबारी के आसार। 29 व 30 दिसंबर को खराब रहेगा मौसम। हिमाचल में नववर्ष से पहले बर्फबारी होने के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 29 व 30 दिसंबर को मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है, जबकि मैदानी इलाकों सहित 28 दिसंबर तक मौसम के साफ व शुष्क रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में मौसम में आए बदलाव के कारण उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात हुआ है, जिससे केलांग में 2, गोंदला में 2, हंसा में 1, उकमसेर में 0.6 व कोकसर में 0.1 सेंटीमीटर हिमपात हुआ है। वहीं कालपा में बूंदाबांदी दर्ज की गई है। रविवार को राजधानी शिमला सहित अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहा, लेकिन कहीं कहीं बादल छाए रहे। ऊना में अधिकतम तापमान 24.2 डिग्री, राजधानी शिमला में 16.7 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान समदो में -1.8 डिग्री सेल्सियस रहा है। खबर मंडी से, पंडो के पास धंसी 2 निर्माणाधीन टनल्स, कंपनी प्रबंधन ने 1 माह तक नहीं लगने दी भनक। उत्तराखंड के सिलक्यारा में टनल धंसने से अंदर फंसे 41 मजदूरों को जब निकालने के प्रयास हो रहे थे, उसी दौरान मंडी जिले के पंडो के पास भी 2 निर्माणाधीन टनल धंस गई थी, लेकिन कंपनी प्रबंधन ने किसी को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। अब जाकर इसकी जानकारी सामने आई है। ICJS परियोजना के क्रियान्वयन में हिमाचल को दूसरा स्थान, मुख्यमंत्री सुक ने दी बधाई। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS परियोजना प्रोसिक्यूशन पिलर के सफल क्रियान्वयन में पूरे देश में हिमाचल ने दूसरा स्थान हासिल किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के अभियोजन विभाग को बधाई दी है।